सर, सबसे पहले तो द रॉयल पॉडकास्ट में आपका स्वागत सत्कार। धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम महाराणा प्रताप पे थे सर, हम ये जान रहे थे कि वो किस तरह से प्रजा के राजा थे, प्रजा के राणा थे। प्रजा उनको अगर कीका कह रही है तो यानी वो प्रजा की नसों में घुसे हुए, रगों में घुसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप ये बात कि वो व्यक्ति कितना एक रूप हो चुका है। वो सामंती जो विचारधारा, सामंती मानसिकता, जिसके लिए कि मैकाले पुत्र और वामपंथी हिंदू समाज को इतना दोष देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं थी, लेकिन उसके वैकल्पिक उदाहरण भी कितने मिलते हैं हमें। ये शब्द महाराणा, आपने कभी कभी अपने कभी सोचे हैं कि कभी बुद्धि आप अब लगाएं कि हर जगह महाराजा होता है, मेवाड़ में महाराणा क्यों होता है? कभी हमने इस पर विचार किया? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा चित्तौड़ का तहस नहस, महारानी पद्मिनी के साथ 20,000 स्त्रियों का जौहर, जीवित अग्नि में स्नान और रावल रतन सिंह की निर्मम हत्या, छल से की गई हत्या। उसके पश्चात चित्तौड़ अपनी इतिहास में पहली बार मुसलमानों के हाथों में चला गया और 30 वर्षों के रक्त रंजित संघर्ष के बाद महाराणा हमीर सिंह चित्तौड़ को मोहम्मद बिन तुगलक से पुनर्ग्रहित करते हैं सिंगोली के युद्ध के बाद। और केवल वीर नहीं थे महाराणा हमीर सिंह, अत्यंत प्रज्ञावान राजा थे। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारी इतनी सत्यनिष्ठा भगवान शिव में, हम धर्म पर थे फिर भी हम पराजित हुए। तो एक अंतःप्रज्ञा उनको जगी कि अहंकार, राजत्व का अहंकार। इससे पहले जो रावल रतन सिंह थे, राजत्व, रावल का फुल फॉर्म क्या है? राजत्व, वरत्व, लक्ष्मीयत्व, यानी जिसके पास राज्य है, जो जो वर है, जो बहुल संपदा है और लक्ष्मी है। तो महाराणा हमीर सिंह ने कहा नहीं, अब हम अपने आप को राजा नहीं, रावल नहीं, राणा कहलाएंगे। राज्य शिव का है, हम केवल उसके रखवाले हैं। ये मानव चेतना में एक बहुत बड़ी छलांग थी। कितनी विनम्रता का भाव होता है। अहंकार आध्यात्मिक जगत में, संसार में सबसे बड़ा रोग माना गया है। हिंदू धर्म की पूरी साधना अहंकार तिरोहित करने की है। और उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? स्वयं श्री कृष्ण जब भगवद गीता में बड़े से बड़ा वैदिक यौगिक सत्य बता रहे हैं, उस श्लोक का अंत वे कहते हैं इदम मे मतम, ऐसा मेरा मत है, ऐसी मेरी ओपिनियन है। वे अर्जुन को नहीं कहते इदम मे आदेशम, ये मेरा आदेश है तू कर। अब्राहमिक मतों की मतांधता नहीं है सनातन धर्म में, ऐसा मेरा मत है। तो उसी विनम्रता को हमारे महाराजा, राजे महाराजे भी जीवित रखते हैं। और उसमें एक चेतना की छलांग लगती है जब मेवाड़ के यशस्वी राजा अपने आप को महाराणा शिव का दीवान घोषित करते हैं। उस विनम्रता के भाव से वो एक रूपता आती है प्रजा के साथ। और फिर यही प्रजा कंधे से कंधा अपने संसाधन, अपना धन, लोगों ने अपने, स्त्रियों ने गहने लुटा दिए आर्मी की फंडिंग करने के लिए। एक दो नहीं, लाखों स्त्रियों ने अपने गहने लुटा दिए कि जो विधर्मी आए मुसलमान उनसे लड़ो, तब जाकर धर्म बचा है भैया। इतना इतना आसानी से नहीं, बहुत बड़ा मूल्य हमारे पुरखों ने चुकाया।